आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड कन्वर्स। क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कन्वर्स? तो सबसे पहले हमको समझना है कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। स्टेटमेंट आपको समझ में आता है, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका जिसका क्या होता है, कोई मीनिंग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट, बराबर है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? जब कोई भी स्टेटमेंट हमारा कौन से फॉर्म में, इफ और देन के फॉर्म में हो, कौन से फॉर्म में हो, इफ और देन के फॉर्म में हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट, बराबर है। जैसे होता क्या है, एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने एक स्टेटमेंट लिख के रखा है। क्या लिखा है, इफ, देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, ये इफ से स्टार्ट हो रहा है ना। कौन से फॉर्म में बोला है यहाँ पे, कंडीशनल स्टेटमेंट कौन से फॉर्म में होएगा, इफ और देन के फॉर्म में होएगा। जब भी कोई भी स्टेटमेंट आपका इफ और देन के फॉर्म में होएगा तो उसको हम कौन सा स्टेटमेंट बोलेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशन आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है, कंडीशन आ रहा है, इसलिए हम इसको कौन सा स्टेटमेंट बोलेंगे, कंडीशनल। अब देखो क्यों, क्या होता क्या है यहाँ पे, इफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल पता है ना आपको, पॉलीगॉन हैविंग कितना साइड, फोर साइड, अ पॉलीगॉन हैविंग फोर साइड इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। तो देखो इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल क्या है, रोम्बस है, देन इधर क्या आ गया, देन आ गया। तो देखो यहाँ पे इफ भी है और यहाँ पे क्या है, देन भी है। तो इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रॉम्बस देन इट्स डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इच अदर। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्या है, रॉम्बस है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्या है, रॉम्बस है, तो क्या होएगा, उसके जो डायगनल्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ध्यान से सुनो, यहां पे कंडीशन कहां आया, सर आपने बोला कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, मतलब यहाँ पे कंडीशन रहेगा, तो सर ये स्टेटमेंट कंडीशन कहाँ आया, इफ बोला है, क्या बोला है, इफ, अगर आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, रोम्बस, आपका क्वाड्रिलेटरल क्या है, रोम्बस, तो ही डायगनल्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ये जो स्टेटमेंट है इसके हिसाब से, अगर कंडीशन क्या हो रही है वहां पे, अगर आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, रोम्बस, तो मतलब देन इट्स डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इच अदर। कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? अगर आपको पास होना है एग्जाम में, अगर आपको एग्जाम में पास होना है, तो एग्जाम में पास होना है तो ये क्या है आपका, कंडीशन है, मतलब ये क्या है, आपको रिजल्ट चाहिए, ये क्या है, रिजल्ट चाहिए आपको कि आपको क्या होना है, एग्जाम में पास होना है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होगी, एग्जाम में पास होने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अगर आप पढ़ाई करोगे तो ही आप एग्जाम में पास होगे, तो अगर आप पढ़ाई करोगे तो ये क्या हो गया, कंडीशन, आप पास हो जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट हो जाएगा। तो सर जैसे आपने बोला स्टेटमेंट के बारे में, स्टेटमेंट हमको दो पार्ट में दिख रहा है, एक इफ से देन तक और दूसरा देन से एंड तक, ये दो पार्ट में दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना सबको, क्या दिख रहा है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, तो ये जो इतना वाला पोर्शन है, इतना पोर्शन है ये अलग है, और देन के बाद वाला जो पोर्शन है वो तो अलग है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, इफ से देन के पहले तक का जो स्टेटमेंट है वो अलग है, देन के बाद का जो स्टेटमेंट है वो अलग है। अब ध्यान से सुनना, ये जो इफ और देन वाला स्टेटमेंट होता है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, दो पार्ट्स में। तो देखो इफ से देन के पहले तक, इफ से इफ के बाद, मतलब इफ के बाद यहां से अ क्वाड्रिलेटरल और देन के पहले इस क्या बोला है, रोम्बस, तो इतना जो पोर्शन है इसका नाम अलग है, और दिन के बाद से एंड तक का जो पोर्शन है उसका नाम अलग है। तो इफ के बाद से रोम्बस तक ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है दिन के पहले तक, इसको हम बोलते हैं एंटी सीडेंट। क्या बोलेंगे हम इसको, एंटी सीडेंट, क्या बोलेंगे, एंटी सीडेंट।
और ये जो देन के बाद वाला है, देन के बाद वाला है, इसको हम बोलते हैं कॉन्जीक्वेंट। क्या बोलेंगे हम इसको? कॉन्जीक्वेंट। समझ में आया? तो इफ से, इफ के बाद वाला जो है उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट। और देन के बाद का जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जीक्वेंट। समझ में आया यहां तक सबको? कंडीशनल स्टेटमेंट समझा? कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? वो स्टेटमेंट जो कौन से फॉर्म में हो, इफ और देन के फॉर्म में होएगा, उसको हम कौन सा स्टेटमेंट बोलेंगे? कंडीशनल स्टेटमेंट। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट हमेशा कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? टू पार्ट्स में। तो जो पहला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। अब एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? कि वो कंडीशन क्या, वो कंडीशन क्या है, और जो कॉन्सिक्वेंट है तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। मतलब ये एक्शन हो गया और दूसरा रिएक्शन। अगर आपका एक्शन क्या है? रोम्बस। तो आपका रिएक्शन क्या आएगा? कि उसके जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। समझ में आया? समझ में आया सर? कोई और एग्जांपल दो। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल का ही एग्जांपल लेते हैं। इफ क्वाड्रिलेटरल इज क्या? क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल ले लेते हैं। अगर आपका क्वाड्रिलेटरल क्या है? रेक्टेंगल, देन इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। क्या हो गया? अगर क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल क्या है आपका? रेक्टेंगल। अगर क्वाड्रिलेटरल क्या है? रेक्टेंगल। तो उसके डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल। समझ में आया? तो यहां पे आपका एंटीसीडेंट क्या बन जाएगा? क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। और कॉन्सिक्वेंट क्या बन जाएगा? इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। समझा? अब यहां पे हमने स्टार्ट किससे किया था? कंडीशनल स्टेटमेंट। अब क्या है उसके बाद? देखो, कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा और रिवर्स। कन्वर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा और रिवर्स। ठीक है? तो जैसे यहां पे आपने देखा कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या था, कि इफ से स्टार्ट हुआ और देन पे पहुंचा, फिर वहां से स्टेटमेंट क्या हुआ? एंड हुआ। अब होता क्या है, आपका जो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है उसका जो इफ वाला पार्ट है वो किस में चले जाएगा? देन में। और जो देन वाला पार्ट है वो किस में आ जाएगा? इफ में। जो देन वाला पार्ट है वो किस में आ जाएगा? इफ में। बराबर है? देखो यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल दिख रहा है आप सबको? क्या बोला है? देखो यहां पे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल क्या है? रोम्बस। तो उसके जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर, पढ़ो अब स्टेटमेंट पढ़ो, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है, वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है आपका? रोम्बस। वो क्या है आपका? रोम्बस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रोम्बस था उसके डायगनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे डायगनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होएगा आपका? रोम्बस होएगा। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? कन्वर्ज में क्या होएगा आपका? आपका जो एंटीसीडेंट होएगा, एंटीसीडेंट होएगा वो क्या बन जाएगा? कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट क्या बन जाएगा? कॉन्सिक्वेंट। और कॉन्सिक्वेंट क्या बन जाएगा आपका? एंटीसीडेंट। क्या बन जाएगा? एंटीसीडेंट। तो कन्वर्स में क्या हो रहा है? उल्टा। उल्टा मतलब रिवर्स। समझ में आया? तो जो कॉन्सिक्वेंट था वो क्या बन गया? एंटीसीडेंट। और जो एंटीसीडेंट था वो क्या बन गया? कॉन्सिक्वेंट। तो हमको अब यहां पे देखो, यहां पे जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया था कि इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं इसको, अगर मैं इसका मुझे अगर कन्वर्स लिखना है, तो जो इसका कॉन्सिक्वेंट है वो क्या बन जाएगा? एंटीसीडेंट। इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज रेक्टेंगल।
समझ में आया? जो आपका क्या है एंटीसीडेंट, उसको क्या बना दो कॉन्जिक्वेंट, और जो कॉन्जिक्वेंट है उसको क्या बना दो एंटीसीडेंट। तो हमको यहां पे क्या समझ में आया, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और उसका कन्वर्स, ये दो हमको समझ में आया ये टॉपिक। जिसको जो भी डाउट रहेगा वो मैं व्हाट्सएप करके पूछ सकता है, ठीक है, व्हाट्सएप या कॉल जो भी आपको अच्छा लगे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, आपको यहां पे बोला है क्या बोला है, देखो पोस्टुलेट बोला है, ये आपने वर्ड शायद पहली बार सुना रहेगा, क्या बोला है, पोस्टुलेट बोला है। अब पोस्टुलेट का यहां पे मीनिंग लिखा हुआ है, पहले वो पढ़ लेते हैं फिर मैं उसे समझाता हूं आपको कि वो होता क्या है। तो देखो क्या लिखा है पोस्टुलेट, इसका मीनिंग सेल्फ एविडेंट, क्या सेल्फ एविडेंट, जो कि खुद ही बता रहा है कि वो क्या है, वो अपने आप को प्रूफ कर रहा है, जो कि अपना जो वो स्टेटमेंट जो कि अपना खुद का प्रूफ दे रहा है। सेल्फ एविडेंट ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट, देखो ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट्स विच वर एक्सेप्टेड बाय ऑल, ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि क्या है सेल्फ एविडेंट है, मतलब अपना प्रूफ खुद दे रहे हैं, और वो क्या है, किसने एक्सेप्ट किया है उनको, सबने, तो उसको हम क्या बोलेंगे पोस्टुलेट्स। तो वो ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट्स जो कि क्या है सेल्फ एविडेंट एंड एक्सेप्टेड बाय ऑल इज नोन एज पोस्टुलेट्स। समझ में आया? तो पोस्टुलेट्स क्या है, वो ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट्स जो कि क्या है सेल्फ एविडेंट एंड एक्सेप्टेड बाय ऑल। उसके नीचे देखो कुछ लिखा हुआ है आपका, एक थियरम का मीनिंग लिखा हुआ है। थियरम क्या होता है, अभी ज्योमेट्री में आपको जो चीज सबसे ज्यादा डराती है वो क्या है, थियरम्स है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो देखो थियरम का मीनिंग क्या होता है, प्रॉपर्टीज प्रूव्ड लॉजिकली आर कॉल्ड थियरम्स। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, लॉजिकली प्रूफ करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, थियरम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उनको, थियरम्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमने अभी दो वर्ड्स के मीनिंग पढ़े, पहला पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट्स वो ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि सेल्फ एविडेंट होते हैं और एक्सेप्टेड बाय ऑल होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट्स। और दूसरा पढ़ा हमने क्या, थियरम्स। तो थियरम्स वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम कैसे प्रूफ करते हैं, लॉजिकली प्रूफ करते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, थियरम्स, ठीक है। अब देखो पोस्टुलेट्स पढ़े हमने, तो हमारे पास एक मैथमेटिशियन है यूक्लिड करके, कौन है, यूक्लिड, उन्होंने हमको पांच पोस्टुलेट्स दिए। कितने पोस्टुलेट्स हैं यहाँ पे बोलो, पांच पोस्टुलेट्स किसने दिए हैं, यूक्लिड ने, किसने दिए हैं, यूक्लिड ने, ठीक। तो पांच पोस्टुलेट्स है, तो पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, सेल्फ एविडेंट ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट्स एक्सेप्टेड बाय ऑल। अब देखो एग्जाम्पल्स देखो, आपको समझ में आएगा कि ये सेल्फ एविडेंट क्यों है, क्यों ये सबने एक्सेप्ट किया हुआ है। अब ध्यान से देखना, हमारे पास कितने, पांच पोस्टुलेट्स है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। तो देखो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, पोस्टुलेट क्या है, देयर आर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारी, जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो देयर आर इनफाइनाइट लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से आप बताओ आप कितने लाइंस पास कर सकते हो, एक पॉइंट से। तो यूक्लिड ने क्या बोला है कि इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, यहां से कितनी भी लाइन पास हो सकती है, आप जितनी ड्रॉ कर सको या फिर आप जितनी गिन नहीं पाओगे उतनी लाइंस एक पॉइंट से पास हो सकती हैं। क्या ये बात सेल्फ एविडेंट नहीं करती है, देखो ये जो स्टेटमेंट है ये अपना सेल्फ एविडेंट नहीं देता है, दे रहा है ना कि अगर पॉइंट है तो वहां से कितनी भी लाइंस पास होती हैं। समझ में आया, ठीक है। अब देखो जो सेकंड स्टेटमेंट है या फिर सेकंड पोस्टुलेट है, सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलता है, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अब एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो रही थी, इनफाइनाइट लाइंस। अब बोला है कि दो पॉइंट है अगर हमारे पास, देखो एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, तो ये जो दो पॉइंट है ना यहां से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास होगी, कितनी, एक लाइन पास। अब अगर आपको लगता है कि यूक्लिड गलत बोल रहा है तो आप क्या करो, पॉइंट बनाओ, दो पॉइंट्स बनाओ और आप ट्राई करो वहां से कितनी सारी लाइंस पास करने की कोशिश करो। अब यहां पे लाइन का मतलब क्या है, स्ट्रेट
स्ट्रेट लाइन, हमको आड़ी टेढ़ी लाइन नहीं बनानी है। समझ में आया? कैसी लाइंस? स्ट्रेट लाइंस। लाइन का मतलब क्या होएगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है आपका तीसरा पोस्टुलेट, तो हमको पहले दो पोस्टुलेट समझे। पहला पोस्टुलेट बोलता है कि अगर एक पॉइंट है तो वहां से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास दो पॉइंट है तो वहां से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है, ठीक है। अब हमारे मन में एक और सवाल आता रहेगा, सर एक के बारे में बता दिया आपने, दो के बारे में बता दिया, सर अगर तीन लाइन, तीन पॉइंट्स हो हमारे पास, कितने पॉइंट्स? तीन पॉइंट्स। तीन पॉइंट्स हैं तो यहां पे दो कंडीशन है, पहली और दूसरी। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, पॉइंट्स क्या है? तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर। कोलिनियर है मतलब, कोलिनियर है मतलब, नहीं याद आ रहा। कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट्स कहाँ हैं? सेम लाइन पे। तीनों पॉइंट्स कहाँ हैं? सेम लाइन पे। तो कितनी लाइन पास होगी? सिर्फ एक। अगर तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर है, तीनों पॉइंट्स क्या है? नॉन कोलिनियर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एक क्वेश्चन जिसमें क्या था कि अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो कौन सा फिगर फॉर्म होएगा, तो कौन सा फिगर फॉर्म हुआ था? ट्रायंगल फॉर्म हुआ था। अब ट्रायंगल फॉर्म होएगा तो यहां पे देखो कितनी लाइन बन रही, एक दो तीन। समझ में आ रहा है? कितनी लाइन बन रही है? तीन लाइन बन रही है। तो क्या यहाँ पे ये लाइन है या लाइन सेगमेंट है, देख रहे हो आप? तो तीन पॉइंट को अगर हम कंसीडर करते तो लाइन बन रही है यहाँ पे? नहीं, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है आपका, क्या बोला है देखो, अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस। क्या बोला है? अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस कैन बी ड्रॉन टेकिंग एनी पॉइंट एज इट्स सेंटर। बोला है कि अगर मुझे कुछ रेडियस दिए गए, क्या दिए गए हैं? कुछ रेडियस। क्या दिया है? रेडियस दिया हुआ है। तो मैं ये जो प्लेन है, समझो ये क्या है? प्लेन है। तो ये प्लेन में मैं किसी भी जगह में मेरा सेंटर ले सकता हूं, किसी भी जगह को, किसी भी पॉइंट को मैं सेंटर लेके मेरा सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं। समझ में आया तीसरा पोस्टुलेट? तीसरा पोस्टुलेट क्या बोलता है कि अगर अगर क्या है, मेरे पास मुझे रेडियस दिया गया है, उसका मुझे क्या ड्रॉ करना है? सर्कल। तो वो जो सर्कल ड्रॉ करना है तो मैं प्लेन में किसी भी पॉइंट को सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं। समझ में आया? फोर्थ पोस्टुलेट क्या है देखो, ऑल राइट एंगल्स की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? एंगल्स की बात करिए, ट्रायंगल मत बोलना। किसकी बात चल रही है? एंगल की। ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विथ ईच अदर। जितने भी राइट एंगल होंगे सारे के सारे क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब शेप और साइज क्या होएगा? इक्वल। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री है ना। तो एंगल कितने का? एंगल अगर 90 डिग्री का बन रहा है, अगर 90 डिग्री का एंगल है तो वो हमेशा क्या होएगा? कॉन्ग्रुएंट होएगा। अब ये जो लास्ट वाला पोस्टुलेट है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है हमको। इफ टू इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस। अब देखो मैं दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये दो लाइन है मैंने ड्रॉ की, ठीक है। अब इन पे मैं क्या ड्रॉ करता हूं? ट्रांसवर्सल। क्या ड्रॉ करता हूं? ट्रांसवर्सल। ध्यान से सुनो, इफ टू इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो, ऑन वन साइड, वन साइड बोला है मतलब ये ना, ट्रांसवर्सल के इस साइड या फिर ट्रांसवर्सल के इस साइड। इफ टू इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस एड अप टू, क्या बोला है? एड अप टू लेस देन टू राइट एंगल्स। अगर इन दोनों को ऐड करने पे, क्या करने पे? ऐड करने पे। समझो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी अगर लेस देन टू राइट एंगल बोला है। एक राइट एंगल कितने का होता है? 90 का। तो दो कितना होएगा? 180 ना। दो कितना होएगा? 180। अगर इन दोनों एंगल्स को ऐड करने पे 180 से क्या हो रहा है? 180 डिग्री से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। देखो क्या बोला है, इफ टू इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस एड अप टू लेस देन टू राइट एंगल्स देन
द लाइन्स प्रोड्यूस्ड इन दैट डायरेक्शन इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर हम इनको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये आगे जाके एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। समझ में आया? क्या समझ में आया कि अगर हमने दो लाइन ड्रॉ की, बराबर है, दो लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया, और सेम साइड पे, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे अगर दो एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी, अगर लेस देन 180 डिग्री है, तो ये लाइन और ये लाइन आगे जाके एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। समझ में आया? अगर किसी को कोई भी डाउट होएगा तो वो पूछेगा।